देखो इस प्रॉब्लम में थ्री टू दी पावर एक्स को टी पुट कर दीजिए तो आ जाएगा टी प्लस वन अपॉन टी इज इक्वल टू 10/3, दैट इज टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी इज इक्वल टू 10/3। तो 3t² प्लस 3 होगा 10t, तो 3t² माइनस 10t प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 3t माइनस 1 इंटू टी माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट इज टी होगा 1/3 होगा या फिर 3 होगा। और टी कितना है 3 टू द पावर x, तो x आ जाएगा -1 एंड 1। तो इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन।